नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान का डिस इंटीग्रेट होना तय है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 30 जनवरी को बलूचिस्तान के माच एंड बोलन शहर पे कब्जा कर लिया है और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के 45 जवान भी मारे गए हैं, ऐसा क्लेम किया है BLA ने, जो अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो हम लोग देखेंगे कैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया था और इंडिया का क्या स्टैंड है अब तक बलूचिस्तान को लेकर। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, बलूच लिबरेशन आर्मी सेज इट हैज टेकन ओवर माच सिटी एंड नियर बाई एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल, और ये कंट्रोल लिया गया है ऑपरेशन दाराए बोलन के तहत। तो इस ऑपरेशन की लोकेशन क्या है, मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान की जो कैपिटल है क्वेटा, एक नंबर पे है क्वेटा, और क्वेटा के नीचे देखने को मिलेगा कच्छी डिस्ट्रिक्ट। इसी कच्छी डिस्ट्रिक्ट में दो बड़े शहर हैं माच एंड बोलन, जिनपे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब कब्जा कर लिया है ऑपरेशन दाराए बोलन के तहत। और इस ऑपरेशन में BLA की इलाइट यूनिट्स भी शामिल है, जैसे कि मजीद ब्रिगेड, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, फतेह स्क्वाड एंड इंटेलिजेंस विंग। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है, इनको आप इन्फेंट्री की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो स्पोक पर्सन है जियांद बलूच, उन्होंने कहा, एडवाइज किया है लोगों को कि आप घरों में रहिए और हाईवेज पे मत आइए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। सेवरल चेक पॉइंट्स को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, जैसे कि पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर्स का हेडक्वार्टर, मिलिट्री नियर मैच कंटोनमेंट, कुछ रेलवे स्टेशन हैं और बड़े हाईवे के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए जो स्ट्रेटजिक पोजिशन होती है उनपे यदि कब्जा कर लिया जाए तो समझो पूरा शहर आपके कब्जे में है। और BLA के द्वारा ये भी क्लेम किया गया है कि 45+ में टन पाकिस्तान आर्मी के जवान भी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात को रिफ्यूट किया है कि कोई भी ऐसा हमला नहीं हुआ है और ना ही उनके आर्मी के जवान मारे गए हैं। सो रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान जो का जो बलूचिस्तान है इज ऑन द वे टू बिकम नेक्स्ट बांग्लादेश। जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, वैसे ही अब बलूचिस्तान भी एक अलग से देश बनने जा रहा है। तो चलिए ये अभी तक न्यूज थी, अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जाया था। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि तो आप चैनल पे नए आए हो यार, एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना। नाउ अब बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो देखिए बलूचिस्तान जो है उसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हिंदुस्तान का। ये सदा से ही आपको पता है भारत का हिस्सा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे थी और फिर कालांतर में सेलुसाइड एम्पायर यहाँ पे राज करता है, और सेलुसाइड के बाद में मौर्यन आते हैं क्योंकि मौर्यों का इनके साथ में युद्ध होता है और ये मौर्यों के अधीन में चला जाता है। फिर मौर्यों ने लंबे समय तक इस रीजन पे राज किया और इसके बाद एक बड़ा किंगडम इंडो पार्थियन किंगडम यहाँ पे आता है। इंडो पार्थियन के बाद में चंगेज खान आता है और फिर 7वीं शताब्दी में अरब के जो खलीफा हैं उनके अधीन चला जाता है बलूचिस्तान। तो इस तरीके से छोटे बड़े किंगडम जो है राजवंश आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बड़े वंश की स्थापना होती है 17वीं शताब्दी में जब कलात के खान एग्जिस्ट में आते हैं, जिनको खानते ऑफ कलात भी कहा जाता है, खानते ऑफ कलात, क्योंकि कलात जो शहर है वहां के जो खान थे उन्होंने एक वंश की स्थापना की, वो एक बड़ा किंगडम बन के उभरा और जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट बलूचिस्तान में हुआ करते थे वे सब इनको अपना चीफ मानने लगे थे। और ये जो राजवंश है खान ऑफ कलात ये अंतिम समय तक चलता है, मीन्स इंडिपेंडेंस तक चलता है। जब ब्रिटिशेस आते हैं तो 1877 में 1877 में बलूचिस्तान एजेंसी की भी यहाँ पे स्थापना की जाती है और पार्शियली इस किंगडम को अपने अधीन ले लिया जाता है। लेकिन जब ब्रिटिशेस भारत से विड्रॉ करते हैं तो इस प्रिंसली स्टेट को भी सेम ऑफर दिया जाता है कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए या इंडिया के साथ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए, यह आपकी मर्जी है। तो बलूचिस्तान किंगडम अपने आप को आजाद घोषित कर लेता है और ये आजाद रहना मुनासिब समझते हैं। 12 अगस्त 1947 को मीर अहमद यार खान, जो कि अंतिम खान थे कलात के, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, लेकिन ये आजादी अधिक समय तक नहीं चलती। अगले एक साल के भीतर ये गुलाम हो जाते हैं पाकिस्तान के। 27 मार्च 1948 को अंतिम खान एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ में और बलूचिस्तान किंगडम को मर्ज कर लिया जाता है पाकिस्तान के साथ में। ये काम फोर्सफुली किया गया था मिलिट्री के सहारे से, कोई भी डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं हुई, बातचीत यहाँ पे नहीं हुई, उनको उनके ऊपर दबाव यहाँ पे डाला गया, जो लोग हैं रेफरेंडम उनसे नहीं करवाया गया, क्योंकि बलूची लोग चाहते थे या तो हम लोग आजाद रहें या फिर हम हिंदुस्तान के साथ में जाएं। हालांकि हिंदुस्तान के साथ में जाने की भी कोई
एविडेंस हमारे ठोस एविडेंस हमारे पास में नहीं है, ये लोग इंडिपेंडेंट रहना समझते थे। तो फाइनली 15 अप्रैल 1948 को गवर्नमेंट ने अपने ट्रुप्स बलूचिस्तान में भेजे। बलूचिस्तान की जो कैपिटल है और पार्लियामेंट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। एंड फाइनली 1958 को सिटी ऑफ कलात पे भी कब्जा कर लिया जाता है। जो अंतिम खान थे उनको अरेस्ट किया जाता है, बलूची लीडर्स अरेस्ट होते हैं। तो इसी से फिर शुरुआत होती है एक विद्रोह की। बलूची लोगों के मन में जो एक आग उत्पन्न होती है कि हमको आजाद होना है, पाकिस्तान ने फोर्सफुली हम पे कब्जा किया है, इलीगल तरीके से कब्जा है, जैसे कि उन्होंने हमारे कश्मीर को कब्जाया था, ऐसे ही किंगडम ऑफ बलूचिस्तान को कब्जाया जाता है जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। और यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। फिर फाइनली 1973 में यहाँ पे गवर्नर को भेजा जाता है और उसके बाद में जो पार्लियामेंट है उसके चुनाव होना स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार आज तक होता आ रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि जो बलूच एथनिसिटी के लोग हैं उनका एक अलग से देश बने। और ये देश कैसे रहेगा, ये देश का नक्शा कुछ ऐसा होगा। आप देखिए इसमें पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान तो है ही है, जो ईरान का बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस है उसको भी इन्होंने अपने अंडर में किया हुआ है, और कुछ हिस्सा रहेगा अफगानिस्तान का जहां पे बलूच लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को मिलके बनेगा बलूचिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा से ही इस रीजन में अत्याचार करता आ रहा है। ये मिनरल्स रिच एरिया है, यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड माइन है यहाँ पे जिनको चाइना लूट रहा है, और चाइनीज लोग यहाँ पे आते हैं अपनी माइंस वगैरह लगाते हैं, चाइनीज लोग ही यहाँ पे काम करते हैं। जो वहां के लोकल लोग हैं, बलूच पीपल हैं, उनको रोजगार भी नहीं मिलता, कोई भी उनके अपराइजिंग के साधन इनके पास में नहीं है, इवन यहाँ पे जो फिशिंग है वो भी यहाँ पे नहीं करने दिया जाता है इनको। सो इसलिए इन्होंने 2016 में अपनी खुद की एक सरकार बनाई, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिनकी जो पीएम है कायला नादरी, ये नायला कादरी, ये भारत आती हैं और भारत में भारत की जो हेल्प है वो मांगती हैं कि यूएन में हमारी मदद कीजिए। बलूच पीएम इन एग्जाइल नायला कादरी सीक्स इंडियाज सपोर्ट एट यूएन फॉर फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान से आजादी दिलवाइए, हमको लिबरेट करने में मदद कीजिए। इन्होंने भारत में आके ये भी कहा था कि पीएम मोदी जी के पास और बीजेपी गवर्नमेंट के पास में आज एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, बलूची पीपल का जो इशू है वो यूएन में उठा सकते हैं। आज उनके पास में अपॉर्चुनिटी, मौका है, हो सकता है ये मौका उनके पास कल न हो। तो पीएम मोदी जी से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बलूची लोगों को आजाद करवाने के लिए आप इस मुद्दे को यूएन में लेके जाए, जैसे पाकिस्तान कश्मीर इशू को यूएन में लेके गया था। हालांकि चलो ठीक है, वो जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे, तो ये चीज है। और इन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में एक सिविल वॉर जैसे हालात हैं, पीपल आर नॉट रेडी टू कॉल्ड पाकिस्तानी, इनकी एथनिसिटी, रंग, रूप, रेस, इनका कल्चर पाकिस्तानियों से बिल्कुल अलग है, पाकिस्तान बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, भाई हमको आजाद होना है, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, हमारे सब कुछ अलग है, हम पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं मानते हैं। तो इसीलिए इन्होंने आजादी लेने के लिए फिर 2000 में BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना की थी, और 2016 में इस सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, तो अभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, और ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं, तीसरा फेज बताया जाता है 1977 से अब तक। तो देखना आने वाले समय में ये आजाद होकर रहेंगे, इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं और बड़ी विंग्स इनके साथ में हैं। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है भाई, इंडिया देखिए कहता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के भी इंटरनल मैटर में, ये पाकिस्तान का खुद का आंतरिक मामला है, ये ही पॉलिसी हमारी रही है। जबकि आपको पता है कश्मीर भी हमारा आंतरिक मामला है, और पाकिस्तान उस इशू को हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, चाहे फिर यूएन हो या फिर बड़े दूसरे मंच हों। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट इसमें 2016 में ये होती है जब पाकिस्तान के पीएम के द्वारा 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दौरान कश्मीर के इशू को रेज किया गया। जब इंडिपेंडेंस डे स्पीच होती है उसमें कश्मीर के इशू को रेज किया गया, तब अगले ही दिन 15 अगस्त 2016 को पीएम मोदी जी ने भी बलूच लोगों के जो ऊपर हो रहे अत्याचार है उसको रिफेर किया और उसको अपने भाषण में शामिल किया था। तो ये अभी तक डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा किसी भी बड़े मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, भारत ने बलूच लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई है। तो मेरा मानना तो ये है कि भारत को आवाज उठानी चाहिए, बलूच लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए, और यूएन जैसे बड़े मंचों पर इस मुद्दे को लेके जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बलूच लोगों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उसके ऊपर कई रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन लगा लीजिए या फिर
जो पाकिस्तान का भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, इन सब ने इंडिपेंडेंटली अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में बताया है कि हाँ, बलूच लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार वहां के रिसोर्सेज को लूट रही है, वहां के जो लोग हैं उनको कुछ भी बदले में नहीं मिल रहा। तो बड़ी रिपोर्ट्स इसके ऊपर आती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत यहाँ पे चुप्पी साधे हुए है, साइलेंस बनाए हुए है। तो मेरा मानना तो है कि भारत को आवाज उठानी चाहिए, ब्लूच पीपल के साथ में सपोर्ट रखना चाहिए अपना, ठीक है। तो ये सेशन था, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या भारत को अपना स्टैंड चेंज करना चाहिए, क्या हमको ब्लूच लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस इशू को उठाना चाहिए। तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।